बीकानेर के पूगल से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में न्यायिक अधिकारी की मौत हुई। एडीजे अनूपगढ़ सरोज चौधरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जामसर थाना अधिकारी पवन सिंह मौके पर पहुंचे। चालक गंभीर घायल हुआ है। निजी गाड़ी में सवार थी एडीजे। सामने से आ रही सरकारी गाड़ी से कार टकरा गई। तो ये निजी कार में सवार एडीजे जिनकी मृत्यु हो गई है। सामने से सरकारी गाड़ी आ रही थी और इससे ये गाड़ी टकरा गई, यानी कि दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। और इसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो आगे का हिस्सा है गाड़ी का पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं जो एडीजे हैं उनकी तस्वीर भी ये नजर आई, गाड़ी के अंदर वो मौजूद थी, लेकिन जब तक उनको बाहर निकाला अस्पताल पहुँचाते उससे पहले ही उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन ये सरकारी गाड़ी जिससे ये दुर्घटना हुई है, हालांकि कारण क्या रहे, किस वजह से, क्या दोनों ही गाड़ी स्पीड में थी या ड्राइवर को समझ नहीं आया, चालक समझ नहीं पाया, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। क्योंकि अभी चालक गंभीर घायल बताया जा रहा है, इसलिए प्राथमिक तौर पर जरूरी ये हो जाता है कि जो व्यक्ति गंभीर घायल है उसे अस्पताल में चिकित्सा लाभ मिल सके। और हमारे साथ लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं सहयोगी। लक्ष्मण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कारण रहे और ड्राइवर के बारे में क्या जानकारी? देखिए, चालक की हालत गंभीर है और दरअसल ओवर स्पीड कारण बताया जा रहा है। स्पीड तेज थी जिसके चलते हादसा हुआ। ये एडीजे अनूपगढ़ में तैनात थी और बीकानेर आ रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर थानाधिकारी पवन सिंह पहुंचे। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है जिस गाड़ी से टकराई है वो गाड़ी भी सरकारी वाहन था दरअसल, उसमें भी दो लोग थे, उनको भी हल्की चोटें आई हैं। तो यानी एडीजे के जो चालक हैं वो गंभीर घायल है, इसके अलावा दो अन्य भी घायल हैं। ऐसे जो पवन सिंह मौके पर पहुंचे, घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। तो कह सकते हैं कि न्यायिक जगत में एक सुखद खबर है, एक युवा एडीजे का कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना ने उसे छीन लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए।